प्राचीन संत रविदास मंदिर बरखेड़ा बेल में हर्षोल्लास के साथ गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम किया गया है। कार्यक्रम में महापीठ के राष्ट्रीय महामंत्री सूरज केरो एवं धर्मनगरी उज्जैन के महासंत पूज्य संत किशन दास महाराज द्वारा प्रवचन किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष बारेलाल अहिरवार द्वारा गुरु पूजन, धर्म गुरु, संत पुजारियों का सम्मान, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण किया गया। नहीं लगे यानी भाई पधारे हुए हमारे मोर्चे के, उनका भी बहुत स्वागत है, बंधन है, अभिनंदन है। मेरे भैया सामने लड़ जा। दादा भगवानदास जी हमारे वरिष्ठ पधारे हुए हैं, रघुराज नाटक जी और हमारे दादा राम सिंह जी। आप सभी लोग अपना कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करते हैं। आइए, बिल्कुल स्वागत है। बड़े आदर स्नेह से किशन दास जी महाराज को, चाहे उज्जैन में महापुरुष हो, चाहे अन्य हमारे धार्मिक कार्यक्रम है, उन सब में क्या हमारे बीच में धर्मनगरी उज्जैन से हमारे आध्यात्मिक भक्ति के अद्भुत संत, प्रसिद्ध संत परम आदरणीय किशन दास जी महाराज हमारे बीच में पधारे। सुंदर हमारे अध्यक्ष जी द्वारा स्वागत किया जा रहा है। एकेपी राय साहब आईएएस कलेक्टर साहब रिटायर है, हमारे डीएसपी साहब भी रिटायर है होशंगाबाद से, वो भी अपने कार्यक्रम में पधारे हैं। हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे पूज्य आदरणीय किशन दास जी महाराज का स्वागत किया जा रहा है। सफल दास जी कबीर पंथ के संत हमारे बीच में, उनका भी जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। हाल ही में हमारे एकम निर्वाचित सरपंच दो ही बधारे हुए हैं, हमारी मातृशक्ति का एक बार जोरदार ताली की गड़गड़ाहट में सफल हो जाए। दादा हीराकांत जी स्वागत करें हमारे। सर आज गुरु पूर्णिमा पर्व पे आप उज्जैन से पधारे, भक्तों द्वारा आपका सम्मान किया गया, कहीं ना कहीं गुरु शिष्य परंपरा हमारी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही, क्या वजह? भाई इसकी वजह यह है कि आधुनिक युग में हम अपने आप को ही ज्ञानी समझने लगेंगे। मोबाइल आ गया तो सब मोबाइल पे सर्च कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, लेकिन ये मोबाइल से समझने की बात नहीं है, ये हम गुरु से समझें और गुरु से आमने सामने बैठ कर समझें, क्योंकि आज के युग में धीरे धीरे आस्था लोगों की ख़त्म होती जा रही है, और आस्था इसलिए ख़त्म हो रही कि आधुनिक युग है, तो आधुनिकता को भी माने, अपने काम भी करें, लेकिन हम साक्षात गुरु के सामने बैठकर प्रश्नोत्तर करें और अपने जीवन को सफल करें। और अगर गुरु की शरण में नहीं जाएंगे और अपने अहंकार में रहेंगे कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, गुरु से भी बड़ा ज्ञानी हूँ, तो भैया तू तेरे घर, वो गुरु के बिना उसको कभी भी मोक्ष नहीं मिल सकता। आपने बोला है अभी प्रवचन में कि आज का मानव एक दूसरे मानने में पीछे पड़ा हुआ, तो वास्तविकता ये देखने में आ रही है, तो गुरु कहें कि अपनी भूमिका जो निभाता है इस मामले को लेकर। भाई क्या है, अहिंसा परमो धर्म, हम किसी से द्वेष न करें, किसी से राग न करें और किसी की निंदा न करें, और हम सबको इस सृष्टि पे जीने का अधिकार है और हम सब अपने अपने हिसाब से जिए, हम किसी को भी मारने का और किसी को दुख देने का प्रयास न करें, नहीं तो इसका बदला तो
उस परमात्मा का संविधान जो है तो बहुत निराला है, इसका बदला व्यक्ति को देना पड़ता है। गुरु पूर्णिमा पर क्या संदेश देना चाहेंगे आप जनता को? गुरु पूर्णिमा पर अपने अपने गुरु के पास जीवों को जाना चाहिए, और आज ये बहुत सर्वश्रेष्ठ दिन है, और गुरु के पास बैठकर उनके चरण वंदन करना चाहिए, और चरण वंदन करने के बाद यदि हमारे जीवन में कोई प्रश्न हो तो गुरु से पूछना चाहिए, और आज बहुत बड़ा आस्था का दिन है, आज के दिन गुरु दर्शन करना चाहिए। सर आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आपने 23 संतों का सम्मान करें, उज्जैन से भी बड़े संत पधारे जिनका सम्मान करा, क्या गुरु शिष्य परंपरा इसी का नाम है? गुरु रविदास विश्व महापीठ एक अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संगठन है, और इसके तत्वधान में भोपाल जिला के तत्वधान में आज श्री संत रविदास सेवा संस्थान प्राचीन संत रविदास मंदिर बरखेड़ा भेड़ भोपाल पर हमारे धर्मनगरी उज्जैन से सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक संत परम पूज्य किशन जी महाराज का हम आप सबको यहाँ पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रवचन के माध्यम से गुरु अमृत वाणी के माध्यम से सबको मार्गदर्शन मिला। हम सौभाग्यशाली हैं, हम बहुत धन्य हैं कि ऐसे महान संतों का स्वागत सत्कार चरण उनके पखारने का हम सबको अवसर मिला, क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वरा साक्षात परब्रह्म गुरु तस्वे श्री गुरुवे नमः, तो गुरु से बड़ा कोई नहीं। हम सब संस्था के और यहाँ महापीठ के समस्त पदाधिकारी स्वजाति बंधु सारे गुरुओं के चरण धो करके चरणामृत लेकर के यहाँ स्वच्छता अभियान वृक्षारोपण और चुने हुए जो पंचायत के हमारे जनप्रतिनिधि हैं उन सब का सम्मान किया, सब लोगों के साथ में गुरु पूर्णिमा का आनंद सभी ने लिया, और बिना गुरु के गुरु गोविंद दोहू खड़े काकू लाखू पाए, और बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए, भगवान भी बिना गुरु के नहीं मिलता है। इसलिए हर जीव को जो अभी संत जी ने बताया है, हर जीव को अपने जीवन में गुरु अवश्य बनाना चाहिए, गुरुओं की वाणी गुरुओं के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। जैसे हमारे सदगुरु संत रविदास जी महाराज जो कि सामाजिक समरसता के इस भारतवर्ष के अंदर एक अग्र दूत के रूप में जिन्होंने सबको एक साथ लेकर के और समरसता का भाव इस भारतवर्ष में प्रकट किया, अनेकों उन्होंने कठिनाइयाँ झेली यातनाएँ झेली जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने झेली हैं, उसी प्रकार से संत रविदास जी के ऊपर भी मुगल काल के अंदर भी धर्मांतरण को लेकर के उनको बहुत प्रभाव और प्रताड़ित किया गया मुगल बादशाह द्वारा, परंतु उन्होंने अपने गुरु धर्म को नहीं छोड़ा, सनातन धर्म को नहीं छोड़ा। आज के अवसर पर हम समस्त सनातनी हमारे हिंदू भाई बहनों समस्त रविदास वंशी समाज और अन्य सभी से निवेदन करना चाहते हैं कि अपने सनातन धर्म के लिए अपने गुरुओं का सम्मान करें, उनके आशीर्वाद से ही हमको परमात्मा मिल सकते हैं और मोक्ष मिल सकता है। बोले संत रविदास महाराज की जय। गुरु पूर्णिमा का पर्व है, क्या संदेश देना चाहेंगे? इस संसार में गुरु से बड़ा कोई नहीं है, संसार में अगर गुरु है तो ही आज संसार पृथ्वी जो धरती हमारी टिकी हुई है, अन्यथा गुरु के बिना इस संसार की प्रलय भी हो सकता है। एक बार कहना चाहती हूँ कि संसार में गुरु से सब कुछ हो सकता है, सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई करता करे न कर सके गुरु करे सो, इसलिए गुरु के अधीन होकर अपने आप को समर्पण भाव से जीना ही यह संदेश है मेरा सारे संसार के जीवों के लिए जो अपने अपने गुरुओं के चरणों में जाएं, और आज के दिन कितना भी अमूल्य समय हो